बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आपका दोस्त डॉक्टर ग़ुलाम फरीद फ्राम विहाड़ी नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज का टॉपिक है विटामिन डी और होम्योपैथिक दवा। लेकिन उससे पहले मेरे वो दोस्त जिन्होंने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल जो डॉक्टर ग़ुलाम फरीद विहाड़ी के नाम से बनाया गया है उसे सब्सक्राइब नहीं किया, तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नाज़रीन, विटामिन डी की जो मुआलजाना मकदार है वो है 1 ता 5 मिलीग्राम रोज़ाना। एक इंसानी जिस्म में 1 ता 5 मिलीग्राम रोज़ाना जिस्म के अंदर होना ज़रूरी है। नाज़रीन, इसका हसूल कैसे हो सकता है? इसमें संतरा फल फ्रूट में, ताज़ा दूध और दूध से बनी हुई अशिया, मछली के जिगर के तेल से ये विटामिन डी हासिल होता है, सोयाबीन से हासिल होता है और अंडे की जर्दी में काफ़ी मकदार में पाया जाता है। लेकिन इससे ज़्यादा सूरज की शुआओं में विटामिन डी पाया जाता है। इसका जो असल टाइम है हासिल करने के लिए वो सुबह का टाइम है, जब सूरज की शुआएँ सुबह सुबह ताज़ा निकल रही हों तो उस वक्त इंसानी जिस्म में जज़ब करने का बेहतरीन टाइम है। नाज़रीन, विटामिन डी जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर विटामिन डी जिस्म के अंदर कमी हो जाए तो जिस्म में कैल्शियम जज़ब नहीं होता, यानी विटामिन डी जो है ये कैल्शियम को जज़ब करने के लिए बहुत बड़ा अहमियत का हामिल है। अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तो कैल्शियम जिस्म में जज़ब नहीं होगा और उसकी वजह से गुर्दों में फास्फोरस जमा हो जाएगा। जब गुर्दों में फास्फोरस जमा हो जाएगा तो उसकी वजह से हड्डियों की साखत कमज़ोर हो जाएगी और हड्डियां भुरभुरी हो जाएंगी। नाज़रीन, इसीलिए छोटे बच्चों की सर की खोपड़ी की हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और खोखली हो जाती हैं। विटामिन डी की कमी की वजह से रीढ़ की हड्डी वो टेढ़ी हो जाती है, यानी कि टेढ़ी हो जाती है और नरम हो जाती है। और विटामिन डी की कमी की वजह से कई लोगों को दिल के इमराज भी हो सकते हैं। नाज़रीन, विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए होम्योपैथिक जो अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं वो ये है। पहली दवा है कलकेरिया फ्लोर 6x दिन में 3 बार, कलकेरिया फास 6x दिन में 3 बार। लेकिन याद रखिए कि कलकेरिया फास विटामिन सी भी हासिल होती है और इससे विटामिन डी भी हासिल होती है। इसके अलावा नेट्रम म्योर 6x दिन में 3 बार, रिस्टॉक्स 30 दिन में 3 बार और ओलियम जैक दिन में 3 बार इस्तेमाल की जा सकती है। नाज़रीन, ये थी आज की विटामिन डी की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी और मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। आपके दोस्त डॉक्टर ग़ुलाम फरीद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।